हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि फ्यूचर में आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिल सकें। इस चैनल पर हम मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की जगह पर आप ये जो जीरो दे रखी है, जीरो की वैल्यू दे रखी है टू, तो हम टू पुट करेंगे। एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री एक्स मीन्स थ्री टू द सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। तो ये हमने अभी x की वैल्यू पुट की, 6 और 4 का प्लस 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोस्तों हमारी k की वैल्यू आई माइनस 10, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी माइनस 10। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद नंबर होता है और बच्चों एक होता है वन। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर है सी, यानी कि टू। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज टू। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ द टू जीरोज इज माइनस फाइव एंड द प्रोडक्ट इज सिक्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए उसके सम की क्या वैल्यू होती है वो देखते हैं हम। यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए यहां पर आपका माइनस फाइव है, माइनस फाइव यानी कि बी जो एक्स के साथ है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि सम कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। इसके सामने माइनस रखिए, माइनस बी बाई ए एक्स के लिए वन। तो ये है आपका सम ऑफ जीरो, जबकि जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए सी बाई ए, सी बाई ए सिक्स डिवाइडेड बाई वन। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है वो ए के लिए सेटिस्फाई करती है, इस वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द वैल्यू ऑफ के फोर विच इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारी कब नहीं होती, जब ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू हो बट सी वन बाई सी टू के इक्वल नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए जो x के साथ है वो है आपका ए वन, वन डिवाइडेड बाई टू, वन डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू यहाँ पर y के साथ कितना है वन, और इधर y के साथ कितना है k, तो वो इक्वल होनी चाहिए वन बाई के के। तो यहाँ से देख सकते हैं कि k की वैल्यू आपकी टू के इक्वल होगी, तो k की वैल्यू टू, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 आर। 12, 21 और 15 के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एक फैक्टर होता है और ये एक मल्टीपल होता है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 और 420। बच्चों साथ साथ अगर आपके दो नंबर दिए होते हैं, कोई भी टू नंबर्स दिए होते हैं, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर n1 into n2, उसके मल्टीप्लीकेशन हमेशा HCF और LCM की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। तो इसके इस बेस पर भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x plus 2 are three consecutive terms of AP. AP के अंदर जो common difference होता है वो same होता है, तो हम second में से first term minus करेंगे और जो third term है उसमें से second term minus करेंगे। चलिए करते हैं, x plus 10 minus 2x is equal to 3x, 3x plus 2 minus x minus 10। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो है 6,
तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस के टू एक्स है, माइनस के टू एक्स और प्लस के टू एक्स यानी कि माइनस का एक्स प्लस टेन, इधर आपका देखिए टू एक्स, टू एक्स माइनस एट। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू आती है हमारी 6, 10 प्लस 8 यानी कि 18 और उधर 2x प्लस x 3x, तो x की वैल्यू आपकी 3 से 6 पे कट जाएगा ही, तो x की वैल्यू आई आपकी 6। ये था 6 का सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP। The first term of AP is P and the common difference is Q. तो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी nth टर्म का A plus N minus 1 into D, यानी कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो 10 में से 1 माइनस किया तो आपका आया 9, 9D और फर्स्ट टर्म रखिए यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपकी P है तो सबसे पहले P plus 9Q, P plus 9Q देखिए कहाँ पे है C में, तो आपका आंसर होगा C P plus 9Q. 8th question देखिए बच्चों, the distance between the two points is A cos theta plus B sin theta and 0 and 0 A sin theta minus B cos theta. इनके बीच में हमें ये जो distance है वो find out करनी है बच्चे। Generally यहाँ पर अगर हम sin theta cos theta देखें। Next question बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा जीरो एंड जीरो ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइन थीटा और कोस थीटा को देखकर, बट बच्चों ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी का हमें यूज करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए ये हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं जो हमारी डिस्टेंस रिलेटेड वैल्यू है। यहाँ पर सबसे पहले x2, x2 की वैल्यू बच्चों 0 है तो 0, 0 माइनस ये जो होल टर्म है ये आपका x1 है, यानी कि 0 माइनस, 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। ये बच्चों क्या है, ये आया आपका अभी तक वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस y2, y2 की वैल्यू देखिए बच्चों a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर हमने बाकी जो वैल्यू है ये जो, अगर हम सेकंड वैल्यू देखें y1, तो y1 की वैल्यू 0 दे रखी है इस कारण हमने पुट नहीं की, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस समथिंग, ये जो माइनस है माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा, तो प्लस में हम इसका स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, सेकंड पार्ट प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन सेकंड पार्ट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी। तो माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा आएगा, उस माइनस वाले से आपका ये जो प्लस की पूरी टर्म है ये कट जाएगी। इधर हम देखें ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ से आया। इधर सेकंड में अगर हम देखें यहाँ पे है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा अंदर आएंगे जब हम बी स्क्वेयर को कॉमन लेंगे और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा होता है 1, यानी कि यहां से हमारी वैल्यू आई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ में इसका रूट भी है, तो हमारा आंसर होगा सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें हमें कोई भी पॉइंट पी फाइंड आउट करना है जो लाइन सेगमेंट को 1:2 की फॉर्म में डिवाइड करता है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पर हम एम वन की जगह अगर 1 पुट करें और एक्स वन एक्स टू की वैल्यू पुट करें तो हमारी के की वैल्यू आती है यहाँ से -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पी फॉर व्हिच दीज आर कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए हमेशा बच्चों एक क्वेश्चन आता है कोलिनियर से रिलेटेड या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए जो वैल्यू है आपकी इसका हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे और सिर्फ हमारी पी की वैल्यू नहीं है तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से, और बच्चों हमारी पी की वैल्यू होगी यहाँ से -2। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के ऐसे थे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स था, इस जो सर्कल है उसके अंदर आपको बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो देखिए बच्चों कोई भी ऐसे जो एक्सटर्नल टेंजेंट होते हैं जो सर्कल के ऊपर ड्रॉ की जाती है उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, अगर ए से पी तक की वैल्यू 4 है तो यहाँ से ए से आर तक की वैल्यू भी 4 होगी। इधर देखिए बच्चों पी से बी तक की वैल्यू है 3, तो बी से दूसरी जो टेंजेंट है वो है बी क्यू, यानी कि ये भी आपका आया 3। अब पूरा जो डिस्टेंस है वो 11 दे रखा है और 11 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो आर सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, आर सी की वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 + 4 = 11, तो इधर भी आपका क्यू सी की वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर। बी सी के लिए दोनों को ऐड कीजिए बच्चों 3 + 7, तो 3 + 7 आपका आंसर होगा 10। तो ये इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, उनके साइड की रेशियो दे रखी है और बच्चों एरिया की रेशियो हमेशा साइड की रेशियो का स्क्वायर होती है, तो इसका स्क्वायर कीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा आंसर है 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है 2a, उसके हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो देखिए एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले एबीसी यहाँ पे हर एक साइड के लिए आप 2a लिख दीजिए, 2a हर एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, वहीं अगर हम इसके लिए एल्टीट्यूड ड्रॉ करें राइट एंगल, तो यहाँ पर हमारी ये दो जो दोनों ट्रायंगल हैं वो आपस में कोंगुएंट प्रूव हो जाते हैं, और जब कोंगुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम उसके लिए फिर जो नीचे की जो साइड है वो भी इक्वल होगी, यानी कि ये भी a है और ये भी a, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर था वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे काम करता है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर देखिए बच्चों 4, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर, 4 में से अगर सिंगल हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3a स्क्वायर, बट ये आपके परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और a स्क्वायर का a, तो आपका वैल्यू आया रूट 3a, तो यहाँ पे बच्चों एल्टीट्यूड की वैल्यू आती है हमारी रूट 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, cos 80 डिवाइडेड बाय sin 10, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको sin में कन्वर्ट करना चाहें तो sin में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यही वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं, cos को हम 80 को क्या बोल सकते हैं, 80 को हम बोल सकते हैं 90 - 10, और आपको पता है cos चेंज हो जाता है 90 लगते ही sin में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव वैल्यू होती है, दैट मीन्स cos 90 - 10, cos 90 - θ equal to sin theta, sin of 10 degree, तो बच्चों यहाँ पर इसकी जगह आपका आ गया sin of 10, तो यहाँ पे देखिए sin 10 हमने पुट किया, sin 10 जब हमने पुट किया sin से sin, तो फर्स्ट वैल्यू तो आई आपकी 1, सेकंड देखते हैं cosecant 59 और cos 59 और cosecant 31, कोसिकेंट 31 देखिए बच्चों, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट हमारा रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से सेकंड पार्ट इसका कोस 59 कोसिकेंट का हमने रेसिप्रोकल कर दिया साइन 31, तो फिर से आपको पता है जो 59 है 59 की वैल्यू क्या होती है 90 - 31, तो कोस फिर से साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा साइन 31 डिवाइडेड बाई साइन 31, और साइन 31 को साइन 31 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 1,
यहां से भी हमारा वन आंसर आया, इधर से भी वन आंसर आया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा टू। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आता है टू। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। पुट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, यहां पर अगर हमने इसको एलसीएम ले लिया कोस स्क्वायर थीटा को, तो इधर भी हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि वन। कोस अगर डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म देखिए, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ये जो है, इसके बाद कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वन हो गया। कोस स्क्वायर थीटा हमारा रेसिप्रोकल में ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन। तो हमारा आंसर आया बच्चों इस क्वेश्चन का भी वन। तो ये साइन और जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है कि जो आप सोल्व नहीं कर पाओ। आराम से आप मैथ में 100 out of 100 मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, ये बच्चों ये क्वेश्चन जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसके ऑप्शनल में था, यानी और में था। आपको 15 क्वेश्चन के दो पार्ट दिए थे, उसमें से कोई एक करना था। ये बच्चों हम जो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये 2020 का जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसी को हम सोल्व कर रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आसान सा फॉर्मूला है हमारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट कीजिए, वन का स्क्वायर वन, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वैसे ही जो जैसे हमने लास्ट में सोल्व किया था, टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर उसमें कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके आए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और इधर भी आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, ये आपका पूरा वन के इक्वल आया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि टोटल हमारा आंसर रहा वन। तो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है काफी आसान है अगर आप उनको ध्यान से सोल्व करते हैं तो। तो हमारा आंसर है इसका भी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3, यानी कि आपकी जो ये वर्टिकल रोड है इसको अगर हम 1 मानते हैं तो यहाँ पर √3। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसको आप थीटा मान लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर है और बेस है। और बच्चों, जब हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की यहाँ पर वैल्यू है 1/√3। अगर बच्चों आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो देखी है तो आपको पता होगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू कब होती है 1/√3, वो होती है जब थीटा की वैल्यू आपकी हो 30 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन के साथ वो आपका 30 डिग्री। तो देखिए, टेंजेंट थीटा 1/√3 और थीटा की वैल्यू 30, दैट मींस इसका आंसर अभी आपका 30 होगा। नेक्स्ट, टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। तो हाइट की रेशियो h1:h2, पहले की हाइट h1 मान लीजिए बच्चों, दूसरे की h2। रेडियस की रेशियो दे रखी है, पहले की रेडियस r1 मानी, दूसरे की r2। अब आपको फॉर्मूला पता हो वॉल्यूम का, अगर उनकी वॉल्यूम की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ये आपका कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जो रेशियो है वो हमने पुट की, उसके बाद जो भी रेशियो है उसी को हम पुट करेंगे हमारी
फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट का जो वॉल्यूम है और सेकंड का वॉल्यूम क्या है, 1 बाई 3 पाई आर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड एच 1, 1 बाई 3 पाई आर 2 का स्क्वायर एच 2। अब यहां पर हमने 1 बाई 3 पाई से हमारा आंसर 1 बाई 3 जो है वो कट जाता है, ऊपर आर 1 का स्क्वायर, आर 1 3 है तो 3 का स्क्वायर देखिए बच्चों 9, एच 1 एच 1 है 1, नीचे आर 2 आर 2 है आपका 1 और एच 2 है 3। ध्यान रखने की बात यह है यहाँ पर r का रेडियस का तो स्क्वायर होता है बट हाइट का स्क्वायर नहीं होता, और रेडियस का स्क्वायर होता है, इस वजह से जो आपका फर्स्ट कोन है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो रेशियो है आपकी देखिए बच्चों क्या आया, 3/1 यानी कि 3:1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, रैंडमली चूज किया गया है, तो हमें पता हो कि वो कंसोनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वोवल्स कितने होते हैं बच्चों, वोवल्स कितने होते हैं बताएं जरा। ठीक है, तो आपके वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो आपके 5 वोवल्स होते हैं, और टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं कितने होते हैं इंग्लिश में, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं आपके 26, 26 में से आपके 5 तो वोवल्स थे, तो कंसोनेंट कितने बचते हैं 21। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 26, तो आपका आंसर होगा 21/26। बच्चों प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हमेशा मार्क्स इंक्रीज करता है, और इसमें कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है लेस देन 3। तो बच्चों एक बार जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ही एक आएगा, यानी टोटल आउटकम्स तो आपके कितने हुए 6। टोटल आउटकम्स हमेशा प्रोबेबिलिटी में नीचे लिखे जाते हैं, टोटल आउटकम 6 और उसमें से 3 से कम, तो 3 से कम देखिए बच्चों 2 ही हैं, 1 और 2, तो 2 बाई 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1 बाई 3 आपका आंसर है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसमें होगा 1 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऑप्शनल में था और में था, यानी कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 19 क्वेश्चन में दो पार्ट थे, आपको ही करना था। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम, गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो आपको लूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा 1 होती है, 1 में से अगर आप 0.07 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.93, तो 0.93 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, फर्स्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस आपको जरूर पता हो, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इसके बाद जो 15 नंबर्स हैं उनका जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उनका मीन है बच्चों 15। मीन क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सम ऑफ द टोटल टर्म, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, तो हमारे टोटल नंबर्स तो n है, और अगर हमारा सम का फॉर्मूला है तो ये आपका AP से है, तो AP में हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता हो n by 2 और n plus 1, तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आया, यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आता है बच्चों वो आता है n से n आपका कट गया, उसकी वैल्यू आपकी 15 के इक्वल है, यानी n plus 1 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 था बच्चों, तो 15 टू जा 30, n प्लस 1 इक्वल टू 30, और n की वैल्यू क्या आई 30 माइनस 1 यानी कि 29, तो इसलिए n की वैल्यू आई आपकी 29। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 से लेकर 26 तक जो है सेक्शन है उसको हम सेक्शन बी का नाम दिया है यहाँ पर, और उसके अंदर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, यानी कि ये जो सेक्शन है वो भी 12 मार्क का सेक्शन है। शो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो एक एपी है, तो एपी के अंदर अगर हमें प्रूव करना है तो सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, क्योंकि किसी भी एपी के लिए उसका कॉमन डिफरेंस डी इक्वल रहता है बच्चों। तो फर्स्ट के लिए अगर हम डिफरेंस देखें तो जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस किया आपका आंसर आया 2ab, थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस आया तो भी आपका आंसर आया 2ab, और बच्चों अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो जो टर्म्स है वो आपकी एपी का ही पार्ट है। इन दिस वे वी कैन वी हैव प्रूव दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ एन एपी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया गया है कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो
जो टर्म्स होते हैं वो एपी में होते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के अंदर देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीई आपका पैरेलल है एसी के, जो डीई है वो आपका पैरेलल है एसी के और जो डीसी है वो पैरेलल है आपका एपी के, और हमें प्रूव करना है बीई डिवाइडेड बाई एसी इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाई सीपी। तो इसमें हम जो बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर जो बीच में जो आपकी किसी भी ट्रायंगल में ये जो साइड है पैरेलल होती हैं अगर, तो इनकी जो रेशियो होती है साइड की वो भी इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो। तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये जो दे रखा है पैरेलल डी इक्वल टू एसी, तो इससे हमें हमारी वैल्यू आई बीडी डिवाइडेड बाय डीए इक्वल टू बीई डिवाइडेड बाय ईसी। बीडी ये जो आपकी साइड है उसको अगर डीए से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका बीई डिवाइडेड बाय ईसी के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से मतलब सेकंड में एबीपी यानी कि जो बड़े ट्रायंगल है उसके अंदर आपकी जो दो साइड है डीसी और एडीएपी वो आपस में पैरेलल दे रखे हैं, तो हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि बीडी डिवाइडेड बाय डीए इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय सीपी। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो बच्चों राइट हैंड साइड भी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से इक्वल होंगे और वही हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार से इक्वेशन वन और टू से हमारा आंसर, हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन इसी का एक जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसके दो पार्ट थे बच्चों। तो सेकेंड जो ऑप्शन में पार्ट है उसको देखिए, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम के टाइम पर। इसके अंदर आप देखिए टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हैं और टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ये और ये इक्वल है, तो यही आपका सबसे मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन का। आपका ये जो एंगल है देखिए ये इस साइड के ऑपोजिट है, तो दूसरा जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। अगर बच्चों इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये जो एंगल P है, P का जो इंटरनल एंगल है यहाँ पर, अगर इसको आपने थीटा मान लिया तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू भी आपकी थीटा के इक्वल होगी, और हमें प्रूव करना है पी टी क्यू। तो पी टी क्यू देखिए ये जो एंगल है ये आपका ट्वाइस है ओ पी क्यू के, ओ पी एंड क्यू थीटा के जो एक्सटर्नल एंगल है। अब यहाँ पर टेंजेंट आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी थीटा की वैल्यू जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू को अगर हम 90 में से माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू के बराबर है 90 माइनस ओ पी क्यू। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो टी पी क्यू है इसने क्या कहा, जो आपका टी पी क्यू है उसको थीटा मान लिया, तो जो टी पी क्यू की है वैल्यू है वो किसके बराबर आए 90 माइनस थीटा, जो आपका टी पी क्यू ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं, दिखने में आसान लगते हैं पर कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़ा सा। तो इसमें बेसिकली आपको दो बातें समझने की हैं कि जो टेंजेंट होते हैं पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और अगर किसी भी ट्रायंगल में इक्वल लेंथ होती है दो साइड्स की तो उसके ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल पी का ये जो इंटरनल पार्ट टी पी क्यू ये इसके इक्वल होगा टी क्यू पी के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टी पी क्यू इक्वल टू टी क्यू पी, और बच्चों अगर ये एक्सटर्नल एंगल को ये जो एंगल क्यू ओ पी क्यू है ये जो रिक्वायर्ड एंगल है इसको अगर आपने थीटा मान लिया, तो आप यहाँ से देखिए कि जो ट्रायंगल है वो हम जो टेंजेंट है वो हमेशा सेंटर के साथ रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर हमें टी पी क्यू की वैल्यू चाहिए टी पी क्यू की वैल्यू, तो 90 में से थीटा माइनस कर दें। अब इस ट्रायंगल में इसको हमने दो बार पुट किया, दो बार क्यों पुट किया बच्चों, एक बार जो P के साइड एंगल है टी पी क्यू इसके लिए और एक बार टी क्यू पी इस एंगल के लिए, और दोनों के लिए हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वल, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो दो एंगल्स ट्रायंगल के हमारे पास यहाँ से हो गए, एक है हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल पी टी क्यू है उन तीनों का सम आपका 180 डिग्री। इसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन को सोल्व करें 92 जा 180 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। देखिए बच्चों दोनों साइड से 180 आपका जो वैल्यू है कट जाती है, इधर का जो माइनस थीटा है उधर जाके प्लस, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी क्या है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू पुट कीजिए थीटा के जगह, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा और ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। तो ये जो
क्वेश्चन था जो ये इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो फिगर है वो गिवन है, तो इस फिगर में देखिए आपका ऑलरेडी गिवन है एसी, एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू पुट कीजिए 1.5, तो हमने यहाँ पर 1.5 लिख दिया। सीडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सीडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए इसके लिए जो थीटा है, थीटा के लिए ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है 3 की वैल्यू है आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा आंसर आया जो आपके लिए साइन की वैल्यू है थीटा के लिए, साइन थीटा की वैल्यू आई 1/2। अब आप जो प्रीवियस वीडियो है हमारे चैनल पर उससे देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब अगर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो। तो यहाँ से हमारे एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है थीटा की वैल्यू, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, सेकेंड के क्या होता है बच्चों कोस का रेसिप्रोकल, कोस था आपका √3/2, तो यहाँ पे आपका 2/√3 प्लस कोसेकेंट, साइन का रेसिप्रोकल होता है साइन, अब यहाँ हमारा 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है 23 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 करने के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई भी आर्क है, आर्क के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया किसी पीस ऑफ वायर को, और उसकी जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। और ये जो आर्क है, ये जो एंगल बनाती है सेंटर पर, यानी यहाँ पर आपका सेंटर है, और ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है, इस एंगल की वैल्यू दी गई है बच्चों 60 डिग्री। अब हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब जो रेडियस है वो दोनों तो सेम ही है, तो हम जो आपका किसी भी आर्क के लिए, आर्क के जो लेंथ का फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे। और बच्चों लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, थीटा जो आर्क की लेंथ को निकालने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं। थीटा जो वो एंगल होता है जो किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर बनाया जाता है, सेंटर के ऊपर यहाँ पर बच्चों है एंगल 60। तो इसमें हम यूज किया 60 डिवाइडेड बाई 360, 2 पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और बच्चों वैल्यू गिवन है 22 के, 61 जा 60, 66 जा, तो यहाँ पर हम 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 जा, उसके बाद इस वैल्यू को अगर इधर लेके आए 22 से 22, तो आपका आंसर आया 21। यानी इधर आप देखिए 1/21 और उधर जाके आर की वैल्यू, तो इस प्रकार से आंसर आया 1/21 इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू बचाया हमारा 21 सेंटीमीटर। तो ये था आपका लेंथ ऑफ रेडियस, इसके अंदर आपका लेंथ ऑफ रेडियस है 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इनमें से कोई भी रैंडम सिलेक्शन करने हो, रैंडम सिलेक्शन जो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर जो माइनस है, माइनस को देखकर आप कंफ्यूज होंगे जनरली, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, इस कारण इसका स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 2, 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर हमारी 4 से या 4 से कम जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे देखिए कितनी है, टोटल नंबर जो थे आपके 7 नंबर्स में से 5 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू, जिनके स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम है या 4 के इक्वल है। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 5/7। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 7 थे, तो आपका आंसर है 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीन से रिलेटेड। इसके लिए हमें मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम x1, f1 और f1 into x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 और 4 की जो मिडिल टर्म होती है वो होती है, 3 और 5 की जो मिडिल टर्म होती है बच्चों 4, 5 और 7 की मिडिल टर्म 6, 7 और 9 की मिडिल टर्म 8, 9 और 11 के लिए 10, 11 और 13 के लिए 12। f1 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी है 5, 10, 10, 7 और 8, मल्टीप्लाई कीजिए 5, 4 जा 20, 6, 10 जा 60, 8, 10 जा 80, 10, 7 जा 70, 12, 8 जा 96, प्लस कीजिए बच्चों आपके f1 का प्लस और x1 f1 का समीशन। तो दिस इज द समीशन ऑफ xi fi एंड डिवाइडेड बाय fi फ्रीक्वेंसीज का सम।
326 डिवाइडेड बाय 40 डेसिमल में आंसर आएगा 8.15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों इसके लिए एक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में था, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो था फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा के लिए हमें मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए बच्चों इसमें हम सबसे पहले जो मॉडल क्लास है उसको चूज करेंगे। मॉडल क्लास देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, आपकी मॉडल क्लास है 6280 और 6280 की जो लोअर टर्म है वो है 60, जो लोअर टर्म है वो है 60, जो आपकी मॉडल क्लास है उसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 12। उससे पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है 10, उससे नेक्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए बच्चों है 6। वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, मोड इक्वल टू एल एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू हाइट। हाइट देखिए बच्चों जो डिफरेंस है वो कितना है, 80 में से 60 माइनस करोगे हाइट आई आपकी 20। सबसे पहले 60 पुट किया, जो लोअर टर्म है आपकी मॉडल क्लास की 12 माइनस 10 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। जब आप इसको सोल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 60 प्लस 5 और हमारा आंसर आया 65। तो 60 तो आपकी लोअर टर्म थी, इस पूरे का सोल्यूशन आया आपका 5, तो आंसर आया 65। बच्चों यह थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसका पार्ट वन किया। बच्चों अगर आपको यह सीरीज यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे लाइक का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों उसका टारगेट है 50 लाइक्स, तो उम्मीद है आप 50 लाइक्स जरूर करेंगे। थैंक यू।